नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बाइक चलाना सीखेंगे। बाइक को रवाना करना, बाइक को रोकना, बाइक के गियर चेंज करना, ये संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने गियर पैटर्न से। तो इस बाइक के गियर आपके पीछे की ओर शिफ्ट होंगे। गियर लगाना कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अपने पैर को इसके ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे पीछे दबाने से आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा, आगे दबाने से आपका गियर शिफ्ट डाउन यानी गियर निकल जाएगा। यह है इसका पीछे का ब्रेक, इसको दबाएंगे तो आपके पीछे के टायर पर ब्रेक अप्लाई होगा। और आजकल बाइक में कॉम्बी ब्रेक आ गया है, यानी जब आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो दोनों टायर पर ब्रेक अप्लाई होता है, यानी आगे का और पीछे का दोनों टायर एक साथ ब्रेक के साथ रुकते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम अपना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका चाबी ऑन कर दिया है और जैसे हमारी बाइक न्यूट्रल है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे पीछे होगी, और नई बाइक होती है तो उनमें यहाँ पर एन के ऊपर हरी लाइट होकर रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट ख़राब है इसका तो हमें किक स्टार्ट ही करना पड़ेगा। हल्का रेस देने के साथ किक मारा तो हमारा बाइक स्टार्ट हो गया है। अब इसको रवाना करते हैं। देखिए अपना क्लच दबा दिया और एक गियर पीछे दबा देना है। अब देखिए दोस्तों आपके क्लच का फंक्शन देख लीजिए। आपका क्लच यहाँ तक फ्री रहता है, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं आराम से लाते, फिर यहाँ लाकर अचानक छोड़ देते हैं तो बाइक बंद हो जाता है यदि रेस्ट नहीं दे रखा तो, और रेस ज़्यादा दे रखा तो हमारा बाइक बहुत स्पीड के साथ रवाना होता है। तो सही तरीका क्या उसको देख लेते हैं। स्टार्ट कर दिया, ओके, क्लच दबा दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा अपना रेस बढ़ा दूंगा, क्लच दिखाओ, ये पॉइंट है देखिए, इस पॉइंट पर मैं क्लच ला के रोक दूंगा। जब बाइक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं अपना क्लच यहीं पे रोक दूंगा और थोड़ा सा रेस बढ़ाऊंगा, फिर हल्का सा थोड़ा सा क्लच आगे जाने दूंगा तो बाइक मेरा अपने आप रवाना हो जाएगा। ये देखिए जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना होता है तो हम अपना क्लच पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, चालू कर। तो दोस्तों जैसा अभी हमने पहले रवाना किया था वैसे ही रवाना करेंगे। क्लच को यहाँ तक लेके आए, थोड़ा रेस बढ़ाया, फिर यहाँ पे क्लच को रोक दिया जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रवाना नहीं हो जाता है। जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना हो गया तो क्लच हम पूरा छोड़ देंगे। उसके बाद गियर चेंज करने की बारी आती है तो हमें क्या करना है, क्लच दबाना है, रेस कम करना और गियर को पीछे दबा देना है, फिर क्लच छोड़ दिया और रेस बढ़ा दिया। ऐसे करके सारे गियर शिफ्ट टू कर दिया और फिर हमारा बाइक कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा खतरनाक, रोकने के लिए क्या करेंगे, रेस अपना पूरा कम कर देंगे और पीछे का ब्रेक दबाएंगे। पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखना है जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है।